Good morning students, today we are going to read chapter number 2 of computer, that is formulas and functions in Excel 2016. जैसा कि हमें पहले से मालूम है MS Excel को किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे डेटाज को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इस रो और कॉलम की जो शीट को है हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। हर वर्कशीट में 65,536 रोज होती हैं और 256 कॉलम्स होते हैं। एक्सेल को अलग अलग कैलकुलेशंस के परफॉर्मेंस के लिए भी, जैसे एडिशन, सब्स्ट्रैक्शंस, डाटा, कोई भी डाटा को हमने अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए भी हम एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल बहुत यूज़फुल है जो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे किसी भी बैंकिंग की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी एमएस एक्सेल बहुत यूज़ होता है। और जैसे टीचर्स को अगर रिज़ल्ट रेडी करना है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों के नेम और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका रिज़ल्ट रेडी करने के लिए भी एमएस एक्सेल का यूज़ होता है। क्योंकि हमारा चैप्टर है फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, इसलिए हम अब पढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला है वो कुछ वैल्यूज़ का सीक्वेंस है, जैसे सेल का रेफरेंस, कुछ फंक्शंस और ऑपरेटर्स, मतलब कुछ फॉर्मूला जो हमें किसी भी डेटा पे अप्लाई करना है। अगर ये दो चीज़ें हम सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए वो प्रोड्यूस हो जाएगी और नई वैल्यू मिल जाएगी। एक फॉर्मूला शुरू कैसे होता है, इक्वल्स के साइन से शुरू होता है। इक्वल के साइन के बाद हम जिस सेल का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है पहले उसका रेफरेंस देंगे, फिर उस वैल्यू पर हम ऑपरेटर लगाएंगे या फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हम मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस किसी भी सेल का एड्रेस है जिसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है जो हमें कैलकुलेशन में यूज़ करनी है। अगर जैसे A1 सेल है, ये किसी A कॉलम की 1 सेल का नंबर है और ये एक सिंगल सेल है क्योंकि इसमें एक ही नंबर दिया हुआ है, ये सिंगल सेल है। अगर हमने इसे रेंज में लिखना है तो हम A1 से लेकर किसी अनदर सेल को बीच में कॉलम लगाकर लिखेंगे तो ये दो सेल्स के बीच की रेंज को शो करता है। इसका मतलब है जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो A1 से लेकर B2 की सेल्स के जितने भी डेटा है उन पर कैलकुलेशन करनी है। दूसरी चीज़ जो फॉर्मूला में हम इंप्लीमेंट करते हैं सेल रेफरेंस के बाद, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो हमें उस सेल के डेटा पर इंप्लीमेंट करने हैं, जैसे प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम सिंबल्स के तौर पर शो करेंगे अपने फॉर्मूला में, जहाँ पर प्लस करना है वहाँ प्लस का साइन, जहाँ माइनस करना है वहाँ माइनस, और जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वहाँ हम ये एस्ट्रिस का साइन लगाएंगे। फॉर्मूला में तीसरी चीज़ आती है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ है जो हम डायरेक्टली किसी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, इनका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे हमें कॉन्स्टेंट लेना है किसी भी चीज़ का कॉन्स्टेंट, जैसे पाई मैथ्स में एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अगर हमें ये पाई कहीं पर यूज़ करना है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू फिक्स है, ये अपने आप उस वैल्यू को कैलकुलेट करके जोड़ देगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, यहाँ इन्होंने जोन लिखा है, जोन का इन्होंने कॉन्स्टेंट रखा है 12। तो जोन का अगर रोल नंबर 12 है, जहाँ जहाँ ये 12 लिखेंगे वहाँ, जहाँ जोन लिखेंगे वहाँ पर ये अपने आप 12 वैल्यू को उठाएगा। अब बात आती है फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है, एक्सेल में पहले से ही बने हुए फॉर्मूला को कहते हैं, जैसे कि 12+A1, A1 है यहाँ पर सेल का रेफरेंस, ऑपरेटर है यहाँ पर प्लस का साइन, और यहाँ पर 12 हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है